एक बात मैं आज जरूर कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से छल कपट की राजनीति करती है, हमने पहले दिन कहा था, मैंने पहले दिन कहा था कि कांग्रेस के सम्माननीय एडवोकेट महोदय जिन्होंने कोर्ट के अंदर ओबीसी आरक्षण पर जिस प्रकार से भ्रम फैला करके हमारे ओबीसी वर्ग के अधिकारों पर आघात किया था और उन्होंने पूरे इस चुनाव को पंचायती राज व्यवस्था में जो एक आज इस देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाने की जरूरत है, जिसके लिए हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव ऑन प्रोसेस थे, लेकिन कांग्रेस ने छल कपट करके योजनाबद्ध तरीके से इस चुनाव को बाधित किया। मैंने कहा था कि माननीय न्यायालय जब इस पर वर्डिक्ट दे रहे थे तो आपने क्यों नहीं कहा कि हम अपनी पिटीशन वापस लेते हैं, अगर इससे ओबीसी वर्ग के हितों का अगर क्षरण होगा, अगर इसके कारण से ओबीसी वर्ग प्रभावित होगा। लेकिन आपको तो व्यवधान डालना था और आज मुझे इस बात पर कहना, मैं इसको जरूरी समझता हूं कि माननीय न्यायालय ने भी, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर माननीय न्यायालय ने इस बात का जो उल्लेख किया है, जो बात हम पहले दिन से कह रहे थे कि आपने पिटीशन विड्रॉ क्यों नहीं की अगर आपको ओबीसी आरक्षण के बारे में कुछ नहीं कहना था, तो आज जब विड्रॉ करने की बात हुई तो माननीय न्यायालय ने भी जो कमेंट्स किया है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। माननीय न्यायालय ने कहा कि आदरणीय तनखा जी, जो कुछ हुआ है वो तो आपके कारण से ही हुआ है, ये अति गंभीर है। ओबीसी वर्ग के हितों पर आक्रमण करने का काम कांग्रेस के श्रीमान एडवोकेट महोदय ने जो किया, जिसके कारण से इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भ्रम फैला, ओबीसी के हितों पर आघात हुआ, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक था। माननीय न्यायालय ने भी इस बात का आज जो कमेंट्स किया है वो अत्यंत गंभीर है।